दोस्तों आज की रेसिपी है गुलाब जामुन की। देखिए कितने सॉफ्ट हैं और कलर बेहतरीन और इजी भी है बनाने में। चलिए बनाते हैं। ये 250 ग्राम खोआ है, इसमें हम 3 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से आपको मैश करना है लगभग 2 मिनट तक अपने हाथों की हथेलियों से। फिर इसमें हम 2 चुटकी खाने का सोडा डालेंगे और फिर से इसे मिलाएंगे। ये देखिए तैयार है। अब हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे कढ़ाई में और उतना ही आपको पानी ऐड करना है। जब ये उबलने लगे, चाशनी के ऊपर एक झाग आने लगेगा, उसे आपको निकाल लेना है। फिर चाशनी को उंगलियों की मदद से चेक कर लें, थोड़ा सा चिपचिपा होना चाहिए। अब हम लोई बना लेंगे गोल गोल और क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ऐसे ही आपको सब लोई गोल गोल बना लेनी है। ऑयल आपको एकदम लो फ्लेम पे गर्म करना है, उसमें आपको गुलाब जामुन डाल देने हैं और किसी चीज से कढ़ाई को पकड़ के पहले आपको ऑयल थोड़ा सा मूव कर लेना है। उसके बाद स्पून चलाते हुए कंटिन्यू आपको इसे गुलाबी कलर तक पकाना है, ये देखिए। और फिर निकालते ही तुरंत आपको चाशनी में डुबो देना है लगभग 2 घंटे तक। तैयार है गुलाब।